हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं आपके मेजर सब्जेक्ट एंटोमोलॉजी से। देखिए, आपको जो आपका प्री फिजी का एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंटोमोलॉजी से, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी से रिलेटेड आज अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं उनकी ये थिंकिंग रहती है कि जो एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है वो टफ सब्जेक्ट है और उसी से थोड़ा सा वो डर जो रहता है, तो आज इस डर को अपन दूर करने वाले हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वर्ड एंटोमोलॉजी ड्राइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर अपन बात करेंगे कि जो एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है तो एंटोमोलॉजी जो वर्ड है यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं वो किस लैंग्वेज से डिराइव करता है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये इसका राइट जो आंसर है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से ये डिराइव्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अपन एंटोमोलॉजी में स्टडी जो करते हैं वो इंसेक्ट वगैरह की करते हैं। तो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, दो टर्म आपके सामने आते हैं, एक इंसेक्ट और दूसरा अपन टर्म यूज लेते हैं पेस्ट। तो क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, तो इंसेक्ट जो है उसका मेन फीचर्स क्या होता है, 3 pair of legs, ठीक है, और 2 pair of wings जो होता है उसको अपन इंसेक्ट बोलते हैं, और इस इंसेक्ट की अपन स्टडी जो करते हैं वो करते हैं अपन एंटोमोलॉजी में। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पेस्ट, पेस्ट किसको बोलेंगे, देखिए ऑर्गेनिज्म विच डैमेज मैंस प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कॉजिंग डैमेज इन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आर, यानी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी प्रकार की जो मैन प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करता है, प्लांट्स को डैमेज करता है, और उससे क्या होता है कि जो आपका फार्मर है या जो मैन प्रॉपर्टी है उसमें इकोनॉमिकली जो लॉस है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे इनमें से क्या बोलेंगे उसको, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पेस्ट बोलते हैं। पेस्ट किसको बोलेंगे अपन, ऐसा इंसेक्ट जो किसी मैन प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, प्लांट्स को डैमेज करता है, जिससे इकोनॉमिक जो लॉस है वो कॉज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पेस्ट। तो यही बेसिकली डिफरेंस होता है आपके इंसेक्ट और पेस्ट में। यहाँ पे अपन बात करें, सभी इंसेक्ट जो हैं वो पेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो पेस्ट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मास ऑफ सेंस कॉल्ड जॉनस्टन ऑर्गन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके प्री पीजी और जो अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ए मास ऑफ सेंस सेल, यानी एक सेंसरी जो ऑर्गन है जिसका नाम है जॉनस्टन ऑर्गन। क्या नाम है उसका, जॉनस्टन ऑर्गन, जो कहाँ पाया जाता है, अपन बात करें जो आपका इंसेक्ट होता है उसकी जो एंटीनी होता है उसमें प्रेजेंट होता है। अब अपन बात करें कि एंटीनी के कई पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, स्केप, पेडिसल और फ्लैजिलम, तो इनमें से कौन से पार्ट में जॉनस्टन ऑर्गन जो है वो मौजूद होता है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे तो कौन से ऑर्गन में होता है, तो यहाँ पे अपन बात करें पेडिसल, जो पेडिसल होता है उसमें क्या होता है, ये जॉनस्टन ऑर्गन जो एक सेंसरी ऑर्गन होता है वो पाया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लास इंसेक्टा, यानी इंसेक्टा जो है उसकी स्मॉलेस्ट जो ऑर्डर की अपन बात करें, तो यहां पे जो ऑप्शन दिए गए हैं हेमिप्टेरा, ऑर्डोनेटा और जीरोप्टेरा और कोलियोप्टेरा, तो जो जीरोप्टेरा है वो एक स्मॉलेस्ट जो है ऑर्डर है, ठीक है, और लार्जेस्ट है वो कौन सा है आपका, इंसेक्टा, ऑर्थोप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट, इसका एक्सक्रेटरी जो एक ऑर्गन होता है जिसको अपन बात करें, तो इंसेक्ट में जो मेजर एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो होता है वो होता है आपका मेलपिगिन ट्यूबुल्स, ज्वाला कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर पेस्ट ऑफ कुकरबिट्स, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको ये क्लियर करना है कि जो भी क्रॉप है या जो भी फैमिली है वो अगर उसमें कोई मेजर पेस्ट लगता है तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मेजर पेस्ट और ऑफ कुकरबिट्स, इसी प्रकार जो अदर क्रॉप्स हैं उनके मेजर पेस्ट आपको याद करने हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें रेड हेयर कैटरपिलर, पंपकिन बीटल, लोकस्ट और टर्माइट, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, पंपकिन बीटल। तो पंपकिन बीटल जो है वो क्या है आपके, कुकरबिट्स हैं, उनका मेजर पेस्ट है। इसी प्रकार अपन बात करें जो क्रूसीफेरी है उसका है डायमंड बैक मॉथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासी स्टंट वायरस
जो है डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई, जो ग्रास स्टंट्स वायरस है उससे जो डिजीज कॉज होती है, तो उसका जो ट्रांसमिट यानी कि वैक्टर जो है इनमें से कौन सा होता है। तो यहाँ पे अपन बात करें ब्राउन प्लांट होपर या ग्रीन लीफ होपर, वाइट राइस लीफ होपर या फिर जिगजैक लीफ होपर, तो यहाँ पे है आपका BPH जो न्यूलोपरोटा लुजेंस है वो क्या होता है, इसका वैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल वाज गिवन। देखिए यहाँ पे अपन बात करें माइक्रोबियल कंट्रोल जो है वो किसने दिया, अपन क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल जो वर्ड है वो किसने दिया, तो यहाँ पे अपन बात करें आपका स्मिथ है उसने कौन सा दिया, बायोलॉजिकल कंट्रोल, और यहाँ पे स्टेन होस है उसने माइक्रोबियल कंट्रोल दिया, और जो इंटीग्रेटेड फास्ट मैनेजमेंट है वो किसने दिया, गेर एंड क्लार्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इज लोकेटेड एट, तो यहाँ पे अपन बात करें इंटरनेशनल इंसेक्ट जो कंट्रोल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वेस्ट इंडीज जो है वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट इज नॉट ए पोलीफेगस इंसेक्ट या पेस्ट। तो यहाँ पे अपन बात करें जो आपको कैटेगरी है पेस्ट की उसमें मोनोफेगस है, ओलिगोफेगस है या पोलीफेगस इंसेक्ट है, तो कौन सा इंसेक्ट किस कैटेगरी में आता है ये आपको याद करना है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको कि कौन सा इंसेक्ट यहाँ पे जो कौन सा पेस्ट है वो पोलीफेगस नहीं है, तो यहाँ आपको ये इनके साइंटिफिक नेम है वो भी याद रखने चाहिए। तो यहाँ पे बात करें अपन हेलिकोर्पा आर्मिजेरा जो क्या होता है, फ्रूट ऑन सूट बोरर होता है, ठीक है, ओडोनेटा ओडेंटोटर्बस ओबेसस आपकी टर्माइट होती है, ल्यूसेनोइड्स ऑर्बेनिल्स जो आपका फ्रूट बोरर होता है ब्रिंजल का, और एमसेक्टा एल्बिस्टिगा जो क्या होता है आपका रेड हरी कैटरपिलर होता है। तो इसमें अगर अपन बात करें जो ब्रिंजल का सूट बोरर है वो क्या होता है, मोनोफेगस होता है, इसके अलावा सारे जो भी बचे हुए वो क्या होते हैं, पोलीफेगस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेविंग एंड कटिंग टाइप माउथ पार्ट्स आर फाउंड। मेजर क्वेश्चन है किसी आपके जो 8 या 9 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें से एक फिक्स क्वेश्चन है, मॉडिफिकेशन ऑफ ब्लैक्स, मॉडिफिकेशन ऑफ विंग्स, मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी और मॉडिफिकेशन ऑफ माउथ पार्ट, इनमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपके फिक्स पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं चेविंग एंड कटिंग टाइप माउथ पार्ट आर फाउंड इन, यहाँ कौन से इंसेक्ट में चेविंग और कटिंग टाइप के माउथ पार्ट है वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे ये सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें आर्मी वर्म, ठीक है, आर्मी वर्म जो होता है उसमें कौन से ये चेविंग और कटिंग टाइप जो माउथ पार्ट है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्टर ऑफ ऑरेंज लीफ डिजीज इन राइस, ऑरेंज लीफ डिजीज जो होता है उसका वैक्टर कौन होता है, ऑप्शंस दिए गए हैं जिगजैग लीफ हॉपर, पिंक स्टेम बोरर, पिंक एंट्स और पेल हेडेड स्ट्रिप बोरर, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, जिगजैग लीफ हॉपर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वायरस डिजीज टुम्ब्रो इज एसोसिएटेड विथ, जो टुम्ब्रो वायरस है वो किससे ट्रांसमिटेड होता है, किससे एसोसिएटेड है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है आपका, ग्रीन लीफ हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर जो इसका क्या है वेक्टर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम इज यूज्ड मेनली एज ए बायो कंट्रोल एजेंट एंड विंच इंसेक्ट ऑफ राइस, यानी किस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए अपन जाइगोग्रामा जो है आपका ट्राइकोग्रामा है जैपोनिकम है वो यूज लेते हैं एज ए बायो कंट्रोल, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है राइस लीफ होपर जो है, राइस लीफ फोल्डर जो है पत्तियों को लपेटने वाला, तो उसके लिए इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीपीजी में पूछा भी गया है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इज लोकेटेड एट, ठीक है, तो ये डायरेक्टोरेट जो है आपका क्वारंटाइन स्टोरेज जो है प्रोटेक्शन है तो वो कहाँ लोकेटेड है, तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आप देख के बता सकते हैं, इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, फरीदाबाद। तो देखिए आपको पैटर्न समझना है यहाँ पे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो जो इंस्टीट्यूट है उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ ही माउथ पार्ट्स जो है मॉडिफिकेशंस में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन इंसेक्ट, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है इंसेक्ट का वो होता है
थ्री पैर ऑफ लेग्स। वैसे अपन बात करें इंसेक्ट की, थ्री पैर ऑफ लेग्स टू पैर ऑफ विंग्स, तो यहाँ पे इनमें से अगर अपन मेजर की बात करें, क्योंकि कुछ ऑर्डर जो होते हैं उनमें विंग्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे मेजर जो इंसेक्ट को करेक्टरिस्टिक अपन मान सकते हैं वो मानते हैं अपन थ्री पैर ऑफ लेग्स, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है विच इज द साइंटिफिक नेम एंड फैमिली ऑफ ब्राउन प्लांट होपर। तो यहाँ पे अपन बात करें कि जो आपका ब्राउन प्लांट होपर है उसका फैमिली और साइंटिफिक नेम क्या है। तो यहाँ पे अपन बात करें, कई नाम और इनकी फैमिली जो है, ऑर्डर जो है वो दिए गए हैं फैमिली, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट नीलोपोराटा लुजेंस, और इसकी जो फैमिली है डेफली सीडी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ बीपीएस कॉज डैमेज टू पैडी क्रॉप। इनमें से कौन सी स्टेज जो है वो प्लांट की, जो राइस का प्लांट है उसको डैमेज करती है, तो इसका राइट जो आंसर है वो है एडल्ट्स और निम्स दोनों, ठीक है। क्वेश्चन है द ईटीएल ऑफ ब्राउन प्लांट हॉपर। ईटीएल क्या होता है, इकोनॉमिक थ्रेस होल्ड लेवल, कि ऐसी पेस्ट की जो संख्या होती है, जब उसकी संख्या में वृद्धि होती है तो अपन जब उसमें जो इम्प्लीमेंटेड करते हैं कोई भी कंट्रोल मेजर्स, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, अपन ईटीएल बोलते हैं। और अपन क्या करते हैं कि जो पेस्ट की पॉपुलेशन है उसको हमेशा ईटीएल लेवल से कम रखते हैं। ईटीएल लेवल तक अगर पहुंचता है कोई पेस्ट तो उसके लिए अपन कंट्रोल मेजर्स जो है वो यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंटेड कर देते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है ईटीएल ऑफ बीपीएच, यानी कि जो ब्राउन प्लांट होपर है उसके लिए अपन कब कंट्रोल मेजर्स अपन यूज़ करते हैं, तो इसकी इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड जो लेवल है वो क्या है, 5 to 10 इंसेक्ट पर हिल, ठीक है, तब जब अपन क्या करते हैं इसमें कंट्रोल मेजर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होपर बर्न इज ए प्लांट जेमेज सिम्टम्स विज कॉस्ड बाई। देखिए सिम्टम्स जो है, जैसे इस प्रकार अपन बात करें सिल्वर सूट और ऑनियन लेफ है, ये सिम्टम्स है, और आपका डबल सीड फॉर्मेशन है, फ्लेयर स्क्वायरिंग है, तो ये सारे सिम्टम्स जो स्पेशल किसी प्लांट पेस्ट द्वारा कोज किए जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस पेस्ट के द्वारा कोज किए जा रहे हैं, ठीक, डेड हेड है। यहाँ बात की जा रही है होपर बर्न सिम्टम्स है वो कौन प्रोड्यूस करता है या कौन कोज करता है, तो यहाँ पे नीलोपोराटा लुजेंस है, ब्राउन प्लांट होपर जो है वो उसके द्वारा कोज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंसेक्ट ट्रांसफर द वायरस ऑफ रोसेल डिजीज इन ग्राउंडनट। रोसेल जो डिजीज होता है उसको ट्रांसमिट करने के लिए इसमें हेल्प जो करता है वो करता है आपका ग्राउंडनट एफिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड। NRC ऑफ IPM जो है लोकेटेड कहाँ पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है अपना फॉर द कंट्रोल ऑफ हेलिकोर्पा आर्मीजेरा विच स्टेज ऑफ क्राइसोपरला केरनिया इज रिलीज्ड। तो यहाँ पे अपन बात करें कि जो आप कंट्रोल कर रहे हैं बायो एजेंट की हेल्प से अपन कंट्रोल कर रहे हैं हेलिकोर्पा आर्मीजेरा से, और हेलिकोर्पा आर्मीजेरा की अपन बात करें तो इसके लिए अपन वायरस भी यूज़ करते हैं, जिसको NPV बोलते हैं, न्यूक्लियर पोलियोहाइड्रोसिस वायरस बोलते हैं, जिसके अपन 250 to 60 LE जो है अपन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि क्राइसोपरला जो है एक बायो कंट्रोल एजेंट है, बायो एजेंट है, तो उसके अपन कौन से स्टेज है यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टार जो होती है तब अपन यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट इंस्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ कर्ल ऑफ टोबेको इज कॉज्ड बाई। लीफ कर्ल जो होता है टोबेको में, तो वो किस इंसेक्ट के द्वारा कॉज होता है, तो वाइट फ्लाई बेमेसिया जो टोबेकाई है उसके द्वारा ये कॉज होता है। आगे हैं इंसेक्ट कनेक्टेड फोर्स स्पेसिमेन आर किल्ड बाय यूजिंग। इंसेक्ट जो अपन सब पढ़ते हैं या अपन सीखते हैं, जो आपका एंटोमोलॉजी का जो प्रैक्टिकल जब आपने किया होगा यूजी में, तो वहाँ अपन बात कर रहे हैं कि जब स्पेसिमेन अपन रखते हैं, अपन जो कलेक्ट करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, तो उससे पहले अपन क्या करते हैं कि इंसेक्ट को एक डब्बे में बंद करते हैं, और डब्बे में है कुछ डाला जाता है, और वो क्या होता है, यहाँ पे उसको किल करने के लिए, उसको बेहोश करने के लिए अपन क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, ताकि अपन उसको स्पॉटिंग के लिए या अपन उसको एक जो स्पेसिमेन के लिए रखते हैं, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं पोटेशियम साइनेमाइड, साइनेमाइड फॉर्मेलिन और EBD, ठीक है, इथिलीन डाइव ब्रोमाइड। तो यहाँ पे अपन बात करें पोटेशियम साइनेमाइड उस बॉटल में रखा होता है, आपने देखा भी होगा, यूज़ भी किया होगा,
तो ये आपको कई बार आपको वाइवा में पूछा गया होगा कि इस डिब्बी में आपने जो इंसेक्ट को रखा बेहोश करने के लिए, मारने के लिए, तो इसमें ऐसा क्या केमिकल डाला गया है? तो यहाँ पे पोटेशियम साइनेमाइड है, वो डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर पेस्ट कैन बी डिफाइंड है। देखिए, पेस्ट की जो कैटेगरी है वो अकॉर्डिंग टू उसका डैमेज और अदर जो फैक्टर है उनकी हेल्प से किया जाता है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जो रेगुलर पेस्ट है वो क्या होता है। तो यहाँ पे अबंडेंस इन ऑल सीजन, यानी सभी टाइम प्रेजेंट होता है, कभी कभी प्रेजेंट होता है, ठीक है, या फिर अबंडेंस ड्यूरिंग सीजन। तो जो सीजन जब होती है क्रॉप की, तब अगर कोई पेस्ट का अटैक बढ़ता है तो उसको अपन रेगुलर पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी बढ़ता है उसको अपन स्पोरेडिक जो पेस्ट है वो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट थोरिक्स हैविंग हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग इन ईच सेगमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसेक्ट का जो थोरिक्स होता है उसमें जो सेगमेंट्स होते हैं तो उनमें कितने जो है पेयर लेग्स के प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अपन बात करें, 2 पेयर, 3 पेयर, 1 पेयर और ओनली 1 लेग। तो यहाँ का राइट आंसर जो है वो क्या है आपका, 1 पेयर। थोरेक्स जो होता है उसके ईच सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं, और टोटल कितने होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स, यानी नंबर ऑफ लेग्स कितने होते हैं, 6, और पेयर की अपन बात करें तो वो 3। और कहाँ पाए जाते हैं आपका जो इंसेक्ट है उसमें, उसका जो थोरेक्स होता है, ठीक है, इंसेक्ट का जो शरीर होता है थोरेक्स, हेड थोरेक्स और एब्डोमन में डिवाइड होता है, जो लगभग 21 सेगमेंट उसमें होते हैं, जिसमें 6 सेगमेंट किसके होते हैं आपके हेड के होते हैं, 3 किसके होते हैं आपके थोरेक्स के, और बाकी रिमेनिंग जो है, ठीक है, वो किसमें होते हैं आपके एब्डोमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग फिरोमोन्स। फिरोमोन जो ट्रैप्स होते हैं, देखिए फिरोमोन्स क्या होते हैं, आप बेसिकली जानते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल्स या कोई ऐसी चीज अपन यूज करते हैं जो जनरली इंसेक्ट है उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसको मेल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे कुछ अपन केमिकल्स यूज करते हैं। देखिए, अपन नेचुरली अगर अपन बात करें तो कुछ इंसेक्ट होते हैं जो फीमेल इंसेक्ट होती है वो नेचुरली रिलीज करती है फेरोमोन्स, तो उसी टेक्नोलॉजी को अपन यूज करते हैं, अपन कुछ सिंथेटिक कंपाउंड यूज करते हुए क्या करते हैं, फिरोमोन्स जो है वो बनाते हैं, ताकि अपन मेल जो मौत है उनको अपन इकट्ठा कर सके, उनको कलेक्ट कर सके, उनको किल कर सके, ठीक है, ताकि आगे जो है मेटिंग के द्वारा न्यू स्पीसीज जो है वो ना बन पाए। तो यहाँ पे अपन बात करें, पेस्ट की मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, मेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्टर्बेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब करने के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए भी अपन यूज़ करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है वो क्या है आपके, राइट। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑल ऑफ अबव, यानी इन सभी के लिए अपन क्या करते हैं, फिरोमोन्स जो है वो यूज़ करते हैं। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है आपके कि कौन सा इंसेक्ट है उसके लिए कौन सा फिरोमोन यूज़ किया जाता है। तो इसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में है वो डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि इस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये वाला फिरोमोन्स वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइगोग्रामा, ट्राइकोग्रामा इज ए, ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोग्रामा में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स का, तो आज ये कन्फ्यूजन अपन दूर करते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा क्या है, एक प्रकार का इंसेक्ट है जो एग पैरासिटोइड होता है। दूसरा बात करें अपन ट्राइकोडर्मा, तो ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फंगस है जो सोइल बोन डिजीज है, या जो फंगल डिजीज है सोइल बोन, उनको कंट्रोल करने में हेल्प किया जाता है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ट्राइकोग्रामा क्या है, एक एग पैरासिटोइड है। अब बात कर रहे हैं कि एंडो पैरासिटोइड है या एक्टो पैरासिटोइड है, तो यहाँ पे अपन बात करें एंडो पैरासिटोइड है, जो क्या करता है, इंसेक्ट के एग्स को क्या करता है, वो खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेयरिंग ऑफ स्क्वायर इज कॉटन ड्यू टू। यहाँ पर मैंने स्पेशल सिम्टम्स की बात की कि स्पेशल सिम्टम्स जो होते हैं किसी भी इंसेक्ट के द्वारा जो कोज किए जाते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे स्पॉटेड बॉलबम जो होता है उसके द्वारा ये कोज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्टिसाइड एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, यानी इंसेक्टिसाइड जो एक्ट है वो कब पास्ड हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, 1968, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, लेडी बर्ड बीटल इज ए प्रीडेटर ऑफ। लेडी बर्ड बीटल्स की अगर अपन बात करें, जो जनरली अपन इंसेक्ट के कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं एज ए बायो बायो एजेंट, तो यहाँ पे अपन एफिड्स के लिए, स्केल इंसेक्ट और माइट्स के लिए अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑल ऑफ अबव, तो इनके लिए अपन यूज करते हैं। बेसिकली अपन बात करें तो जनरली अपन एफिड के लिए उसको यूज करते हैं आपके मस्टर्ड में।
अब बात करते हैं अपन सुपर हीटिंग ऑफ गोडाउन्स इज डनन्स। देखिए गोडाउन क्या होता है, गोडाउन एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे अपन आपका जो भी फूड क्रॉप्स हैं या फूड ग्रेन्स जो है उनको स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे जो डैमेज करने वाले इंसेक्ट जो होते हैं, पेस्ट जो होते हैं, वो होते हैं स्टोरेज पेस्ट। तो स्टोरेज पेस्ट हैं उनका जो डिसइंस्पेक्शन है वो करने के लिए अपन क्या करते हैं, कई प्रकार के ट्रीटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सुपर हीटिंग। तो सुपर हीटिंग में अपन क्या करते हैं कि अपन एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं पर्टिकुलर एक टाइम के लिए, ताकि जो स्टोरेज पेस्ट है वो किल हो सके। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि सुपर हीटिंग, ठीक है, तो उसके लिए अपन 50 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं और जनरली 10 से 12 घंटे के लिए अपन ये ड्यूरेशन रखते हैं ताकि स्टोरेज पेस्ट है वो किल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ विंगलेस इंसेक्ट। यानी मैंने बताया कि कुछ ऑर्डर्स जो होते हैं उसमें विंग्स जो है वो क्या होते हैं, एबसेंट होते हैं, तो इसलिए अपन मेन फीचर्स अपन क्या मानते हैं, लेग्स, थ्री पेयर ऑफ लेग्स, किसको अपना इसको मेजर फीचर्स मानते हैं। तो यहाँ पे जो है थाइनेसेरा सेरा है, डिप्लोरा है, कॉलम्बला है, तो ये सारे ऑर्डर जो है वो क्या है आपके विंगलेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ लेग्स। लेग के अपन बात करें तो जिसमें अपन 4 या 5 या 6, कई जगह आपको 6 या 7 जो सेगमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है, किसी में टार्सस को अलग, किसी में पेरिटार्स को अलग। तो इस प्रकार जो अलग अलग सेगमेंट्स जो होते हैं, तो उसमें सबसे लंबा जो सेगमेंट होता है लेग का वो कौन सा होता है। ऑप्शन दिए गए हैं टीबिया, टार्सस, कोक्सा और फीमर। तो फीमर की बात करें सबसे लंबा पार्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फाउंड इन विच सेगमेंट एब्डोमेन ऑफ इंसेक्ट। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इंसेक्ट में वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, और अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एब्डोमेन के कौन से सेगमेंट में मौजूद होते हैं। तो यह ऑप्शन दिए गए हैं 7, 8, 9, 9, 10 और 10, 11। इसका राइट आंसर जो क्या है आपका 8 और 9। यहाँ पे अपन बात करें मेल की बात करें तो मेल जो पार्ट मेल जो ऑर्गन होता है वो 9th सेगमेंट में होता है, और अपन बात करें फीमेल तो फीमेल जो होता है वो 9th और 8th दोनों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ बायोटिक स्कूल वाज गिवन बाई। तो ये कंसेप्ट था एक प्रकार से कि जो बायोटिक स्ट्रेस है उसके द्वारा अपन किस प्रकार इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कंसेप्ट जो है वो किसने दिया, हॉवर्ड एंड फिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेप क्रॉप सोन अलोंग द टोबैको क्रॉप। यानी ट्रेप क्रॉप का मतलब होता है कि किसी भी मैन क्रॉप को बचाने के लिए अपन कुछ ऐसी क्रॉप्स यूज करते हैं ताकि जो इंसेक्ट और जो पेस्ट है उनका सारा ध्यान है अपनी तो और आकर्षित कर ले। तो इसके लिए अपन जनरली केस्टर यूज करते हैं टोबैको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइंड लेग्स ऑफ हनी बी आर नोन एज। जो हाइंड लेग्स होते हैं हनी बी में उनको क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे बात करें लेमा, ओरिकल्स, एपिकल्स और नन ऑफ अबोव। तो जो हाइंड लेग्स होते हैं उनको बोलते हैं ओरिकल्स, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूसियल क्रूसोरियल जो इंसेक्ट का एक लेग्स का मॉडिफिकेशन है, जिसमें अपन बात करें मॉडिफिकेशन फॉर रनिंग। तो इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे मैं आपको और समझा रहा हूँ कि इसी प्रकार के जो बाकी अदर जो मॉडिफिकेशन है आपके लेग्स के, इंसेक्ट लेग्स के, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन क्रूसोरियल जो मॉडिफिकेशन है रनिंग के लिए, तो इनमें से किसका पाया जाता है, ग्रास ओपर, मॉल क्रिकेट, कॉकरोच और हैंडलूज, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है आपका, कॉकरोच। कॉकरोच है उसमें रनिंग के लिए मॉडिफिकेशन होता है, और सबसे हाईएस्ट जो स्पीड होती है इंसेक्ट्स में वो किसकी होती है, आपके कॉकरोच की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस गंदी बग अटैक ऑन। राइस जो गंदी बग इंसेक्ट होता है पेस्ट, जो कब अटैक करता है, तो कौन से स्टेज में अटैक करता है। तो यहाँ पे अपन बात करें फ्लोरिंग, ग्रेन फिलिंग, क्राउन इनिशिएशन या मिल्किंग स्टेज। तो मिल्की स्टेज होता है उसमें अटैक करता है राइस गंदी बग। इसी प्रकार अपन बात करें जो आर्मी वर्म होता है आपके वीट में, तो वो नाइट में अटैक करता है। तो इस प्रकार के कुछ आपको क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन याद रखने हैं। इसके बाद में आपका जो परमानेंट क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी का, जो सभी एग्जाम्स में लगभग पूछा जाता है, और 10 क्वेश्चन जो आते थे तब आपके आपके प्रीपीजी में, अब 9 या 8 के लगभग आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आपके फिक्स था, द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट इज अनेक्टेड इन द ईयर। तो 1914 में इसको एक्टिव किया गया, तो ये आपको याद रखना है, DIPA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियर्सिंग एंड सकिंग।
टाइप माउथ पार्ट आर फाउंड इन, तो इनमें से पियर्सिंग और सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट है वो कौन से इंसेक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको इंसेक्ट का नाम याद रखना है कि कौन से इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है, दूसरा आपको ऑर्डर भी उसका याद रखना है। यहाँ पे बात करें कॉटन लीफ रोलर, कॉटन जेसिड, मस्टर्ड एफिड, पिंक बॉलवर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें मस्टर्ड एफिड जो है उसका चूसने वाले चुभाने और चूसने वाले जो माउथ पार्ट है वो प्रेजेंट होते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि माउथ पार्ट जो होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जिसमें मैंडिबल्स होते हैं, मैक्सिलरी होती है, हाइपोफेरेक्स होता है, ठीक है, लेबियम होता है, लेब्रम होता है, तो इनका वर्क क्या होता है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैमेजिंग स्टेज ऑफ रेड हेयर कैटरपिलर, जो रेड हेयरी कैटरपिलर होता है उसकी डैमेजिंग स्टेज जो होती है वो क्या होती है, तो इसका राइट आंसर जो क्या है वो आपका लार्वा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेविंग एंड बाइटिंग टाइप माउथ पार्ट आर फाउंड इन, तो चेविंग और बाइटिंग है जो है आपके किस में प्रेजेंट होते हैं, ग्रास ऑपर, बीटल, हनी बी और ऑल ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है आपका बीटल। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैमेजिंग स्टेज ऑफ वाइट गर्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली आपका नेशनल पेस्ट कहा जाता है आपके वाइट गर्ब का, और इसका जो फेवरेट फूड है वो क्या है आपका ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट में जो लगने वाला इंसेक्ट है आपका, तो उसकी जो गर्ब और एडल्ट है वो दोनों स्टेजेस क्या करती है, डैमेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज कैपेबल टू कंट्रोलिंग माइट्स, तो इनमें से कौन सा है वो इंसेक्टिसाइड जो माइट्स को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए गए हैं एंडोसल्फान है, टॉक्सोफेन है, साइपरमेथ्रिन है, मोनोक्रोटोफोस है, तो इसका राइट आंसर जो क्या है आपका साइपरमेथ्रिन। तो आपको माइट्स माइटिसाइड जो है वो याद रखने हैं, इसी प्रकार के जो रोडेंटिसाइड है वो भी आपको याद रखने हैं और एकेरिसाइड भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एब्डोमल लेग्स इन द लार्वल ऑफ मस्टर्ड साफ्लाई, मस्टर्ड साफ्लाई जो होता है तो उसमें जो एब्डोमल जो होता है उसमें कितने लेग्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, लार्वा में तो यहाँ पे बात कर रहे हैं 4 पेयर, 6 पेयर, 8 पेयर और 10 पेयर, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है आपका 8 पेयर। इस प्रकार का लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडेंटोटर्बस ओबेसस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच इंसेक्ट, ओडेंटोटर्बस ओबेसस कहने का मतलब आपको ये क्वेश्चन ये समझाता है कि आपको लगभग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है उनके आपको साइंटिफिक नेम है वो याद करने हैं, उनकी फैमिली याद करने हैं, उनके ऑर्डर याद करने हैं, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो एक क्वेश्चन क्रेक आप कर सके। तो यहाँ पे बात करें टर्माइट जो है उसका नाम क्या होता है, ओडेंटोटर्बस ओबेसस, जिसका जो ऑर्डर है वो क्या होता है आइसोप्टेरा, तो ये आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ओडोनेटा इंक्लूड, यानी ओडोनेटा जो है ऑर्डर इनमें से कौन सा किस इंसेक्ट का होता है, मे फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, स्टोन फ्लाई और सेड फ्लाई। ठीक है, तो यहां इसका राइट आंसर क्या है आपका ड्रैगन फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एंटीनी इज केलाबोला या सेला बोला जिसको बोलते हैं, तो इसमें से कौन से पार्ट को अपन सेला बोला बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपकी स्केप, पेडिशल, फ्लेजिलम और नन ऑफ दीज, तो फ्लेजिलम पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, केला बोला बोल रहे हैं। दूसरी चीज अपन बात करें जो आप अभी अपन ने बात कर चुके हैं कि जॉन्स्टन ऑर्गन है वो किसमें पाया जाता है आपके पेडिशल में, जो ये क्या है सेंस ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी में से पैक्टिनेट टाइप एंटीनी आर फाउंड इन विच फॉलोइंग इंसेक्ट, तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन है बटरफ्लाई, फायरफ्लाई, टर्माइट और हनी भी। इसी प्रकार आपके पिछली बार जो एग्जाम पूछा गया वो प्ल्यूमोज पूछा गया था, तो आपको 10 या 12 प्रकार के जो मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी है उसमें से फिक्स एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं तो फायरफ्लाई है उसमें प्रेजेंट होता है पैक्टिनेट टाइप मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगर केन लीफ होपर बिलोंग्स टू ऑर्डर, सुगर केन लीफ होपर जो इंसेक्ट होता है वो किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, जिसका राइट आंसर है आपके हेमिप्टेरा। ठीक है, इसके बाद में है एपनेटेलिस फ्लेविपेप्स इज ए प्रीडेटर या पैरासाइट यूज टू कंट्रोल, तो एक प्रकार का प्रीडेटर या पैरासाइट है जो आपको लिस्ट मेरी बुक में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, उसका मैं आपको फोटो है वो डाल दूंगा इसमें।
तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं एपनेटेलिस जो फ्लेविस हैं वो एक प्रकार का पेरासिटोइड या प्रेडेटस जो है वो किस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं फ्रूट फ्लाई, सुगरकेन, पायरिला, जो लास्ट ईयर आपके प्री-पीजी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसी प्रकार बात करें काइलोपार्टिलेस पोटेटो ट्यूबर मॉथ, तो इसका जो राइट आंसर है काइलोपार्टिलेस जो मेज में होता है जो डेड हर्ट बनाता है, तो उसके लिए कंट्रोल के लिए अपन ये प्रेडेटर यूज़ कर रहे हैं। तो प्रेडेटर अपन कौन सा होता है, किस इंसेक्ट के लिए अपन कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोडेंटिसाइड। देखिए रोडेंटिसाइड में से हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए कि रोडेंटिसाइड की जो लिस्ट दी गई है उसमें कई प्रकार के पॉइजन अपन यूज़ करते हैं, लास्ट ईयर भी आपके प्री पीजी में पूछा गया है। इसमें बात करें अपन फ्यूरेनेरिन है, वारफरिन है, जिंक फोस्फाइड है या कार्बोफ्यूरोन है, तो इनमें से कौन सा रोडेंटिसाइड नहीं है, तो यहाँ पे अपन बात करें कार्बोफ्यूरोन है, वो एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या है, सारे के सारे रोडेंटिसाइड है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया है, आपके जो इंसेक्टिसाइड की जो बोतल होती है उसमें एक ट्रायंगल बना होता है और एक कलर जो है उसमें इंडिकेशन के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके आईबीपीएस में भी पूछा गया है द ब्राइट रेड कलर ऑफ इन ट्रायंगल ऑफ इंसेक्टिसाइड बोतल इंडिकेट्स। तो ये जो कलर होता है, ये जो बोतल पे कलर जो है वो डोमिनेंट होता है, उस पे पॉइजन लिखा होता है, तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, वो टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है, और टॉक्सिसिटी का जो लेवल है उसको इंडिकेट करने के लिए उसमें अलग अलग प्रकार के कलर रखे जाते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ब्राइट रेड, चमकीला जो लाल रंग है वो किसको करता है, एक्सट्रीमली हैजार्ड्स, मॉडरेटली हैजार्ड्स, रिलेटिवली सेफ और वेरी हैजार्ड्स। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है आपका, एक्सट्रीमली हैजार्ड्स, यानी सबसे खतरनाक जो पॉइजन होता है, सबसे भयंकर, उसको अपन इंडिकेट करने के लिए ब्राइट रेड जो है वो कलर यूज करते हैं, डेंजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइमिथाइल पैथेलेट इज यूज्ड एज ए रेपलेंट फॉर विच फॉलोइंग इंसेक्ट। तो एक प्रकार का केमिकल है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन याद करने हैं, एक तो होता है अट्रैक्टेंस और एक होता है रैपलेंट्स। रैपलेंट्स का मतलब होता है कि किसी भी इंसेक्ट को वो वहाँ पास नहीं आने देता, उसको दूर से ही क्या कर देता है, भगा देता है। जैसे कि अपन प्रेजेंट टाइम में अगर अपन बात करें जो टिड्डी है उसके रैपलेंट के लिए अपन धुआं वगैरह स्मोक वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइमिथाइल पैथेलेट है वो किसके लिए, रेपलेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो माइट्स है, बी है, मॉस्किटो है, या फैब्रिक जो इटर है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है क्या है आपका, मॉस्किटो। और ब्लड सकर जो होते हैं, ब्लड जो चूसने वाले जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनके लिए भी अपन यही दवाई जो है वो काम लेते हैं। इसके बाद में जो आपके अभी प्रेजेंट सिचुएशन की अपन बात करें, टिड्डी है उसका काफ़ी अटैक चल रहा है और चारों तरफ जो है डैमेज हो रहा है, तो यहाँ पे अपन बात करें उसमें से अगर अपन बात करने वाले हैं, तो एक तो आपको यह याद रखना है कि कौन कौन सी टिड्डी होती है। ठीक है, जनरली तीन प्रकार की टिड्डियाँ होती है और टिड्डियों की दो फेज होती है, एक होती है ग्रीगेरियस और दूसरी होती है सोलिट्री। ग्रीगेरियस फेज ऐसी होती है जिसमें ग्रुप में टिड्डियाँ होती है और यही फेज होती है जिसमें टिड्डी है वो डैमेज करती है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉम्बे लोकस्ट है, उसका साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, सिस्टोसेर का ग्रीगेरिया या पतंगा सक्सिनेटा या लोकस्ट माइग्रोटोरिया। तो इसमें अगर अपन बात करें तो पतंगा सक्सिनाटा है वो क्या है आपकी, बॉम्बे लोकस्ट है। इसी प्रकार बात करें अपन लोकस्टा माइग्रोटोरिया, वो डेजर्ट डेजर्ट है वो लोकस्ट होती है। आगे क्वेश्चन है वर्ड पेस्ट ड्राइड फ्रॉम विच लैंग्वेज। यहाँ पे अपन बात करें पेस्ट जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और उसका मतलब होता है प्लेग, यानी कि एक प्रकार की महामारी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैसे अगर अपन बात करें पेस्ट का, मैंने बता दिया है कि कोई भी इंसेक्ट अगर किसी मेन प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, उनके जो प्लांट्स है उनको डैमेज करता है और उसकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है, इकोनॉमिकल लॉस जो है उसको कॉज करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आया हुआ है लार्वल पीरियड ऑफ सिल्क वर्म। तो जो सिल्क वर्म होता है जिससे लार्वा प्राप्त होता है, तो उसका जो पीरियड होता है वो होता है 32-35 डेज। ठीक है, तो इस सेशन में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है। दूसरा अपन बात करें थोड़ा सा जनरल डिटेल की अपन बात करें, तो एंटोमोलॉजी में जो स्टूडेंट्स का डर है वो इस प्रकार होता है कि काफ़ी सारे इंसेक्ट होते हैं और किस इंसेक्ट को अपन याद करें, किसको अपन छोड़ें। दूसरी चीज़ अपन नेचर ऑफ डैमेज है वो चीज़ें याद करें या नहीं करें,
साथ ही एंटोमोलॉजी थोड़ा सा टफ आपको पढ़ने में लगता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि बेसिक चीज़ें आपको याद करनी है, जिसमें इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट के मेन करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, यानी इंसेक्ट का जो ऑर्डर होता है उसके मेन करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। साथ ही अपन बात करें उसमें, सबसे पहले अपन माउथ पार्ट्स याद करेंगे कि माउथ पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ बात करें अपन मॉडिफिकेशन ऑफ माउथ पार्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट में प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार बात करें जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं उसमें अपन बात करें आपका एंटीनी जो होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी याद करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे विंग्स जो है उनके मॉडिफिकेशन याद करेंगे। इसी प्रकार अपन बात करें तो जो लेग्स हैं उनके मॉडिफिकेशन याद करने वाले हैं। इसके साथ अपन बात करें जो पेस्ट हैं उनकी कैटेगरी आपको याद करनी है, उसमें कई प्रकार की टर्मिनोलॉजी जो दी गई है वो आपको याद करनी होती है। उसके बाद में अपन मेजर पेस्ट और माइनर पेस्ट देखते हैं, मेजर पेस्ट कौन सी क्रॉप में डैमेज कर रहा है, और कोई अगर पेस्ट स्पेशल सिम्टम्स अपीयर कर रहा है, जैसे अपन बात करें सिल्वर सूट और अनियन लीफ की अपन बात करें जो गालमिज करता है। इसी प्रकार अपन ने बात की जो ग्रास स्टंट है, डेड हेड है, तो ये सारी सिम्टम्स आपको याद करने हैं। दूसरा अपन को जो इनके कंट्रोल मेजर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें अपन आईपीएम की अगर अपन बात करें तो अपन किस प्रकार उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और आईपीएम में अगर अपन बात करें तो जो रेपलेंट्स हैं, अट्रैक्टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होती है। तो इस प्रकार अगर आप पढ़ेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपके जो एट क्वेश्चन या नाइन क्वेश्चन जो भी आपके आने वाले हैं तो उसमें सेवन या एट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी उसको कन्फ्यूज नहीं होना है, ऑर्डर आपको याद करने हैं। मेजर इंसेक्ट की अगर अपन बात करें तो जो 20-30 इंसेक्ट है आपके पेस्ट हैं उनके आपको साइंटिफिक नेम याद करने हैं, उनके ऑर्डर याद करने हैं, उनकी फैमिली याद करनी है, ठीक है। और कोई स्पेशल अगर करेक्टर है वो आपको याद करना होता है इंसेक्ट का, और आपको किसी प्रकार की चीज़ उसके जो कंट्रोल से रिलेटेड है वो याद नहीं करनी होती है, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था कि स्टडी जो करना है आपको, स्मार्ट स्टडी करना है, कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो कवर हो सके, और ये सब्जेक्ट है इसमें आपके पूरे में से पूरे क्वेश्चन भी राइट हो सकते हैं अगर आप सही प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का सेशन अगर टाइम मिला तो और डिस्कस करेंगे एंटोमोलॉजी से रिलेटेड, और अपन नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। आपका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा है, उसके लिए आपको स्पेशल थैंक यू, और आपके सजेशंस जो है वो लगातार आते रहते हैं, उससे हम अप्रिशिएट हैं, उसके लिए आपको स्पेशल धन्यवाद।